हालेलुया, आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर आपके सामने मैं लेकर आई हूँ एक नई मिशनरी। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे एमी कारमाइकल के जीवन के बारे में। एमी कारमाइकल, इनका जन्म 16 दिसंबर 1867 ईस्वी में आयरलैंड देश के काउंटी डाउन शहर में हुआ। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 1951 ईस्वी में हुई। मसीह सेवा कार्य, भारत। एमी बीट्राइस कारमाइकल का जन्म आयरलैंड में एक धनी परिवार में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। सबसे बड़ी संतान होने के कारण एमी ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत की। अपनी छोटी उम्र से ही एमी एक उत्साहपूर्वक सुसमाचारक प्रचारक थी और गरीबों के बारे में चिंता करती थी। उन्होंने शॉलीज, सस्ती शॉल पहनकर मिलों में काम करने वाली लड़कियों के बीच काम किया जिन्हें चर्चों में आने नहीं दिया जाता था। इसलिए उन्होंने टीन की संरचनाओं को किराए पर लेकर उनके लिए रविवार की सेवाओं का संचालन किया। इस तरह के सेविकाई के बीच उन्होंने हडसन टेलर को सन 1887 में केस्विक कन्वेंशन में मिशनरी सेवा के बारे में बोलते हुए सुना। वहां उन्हें मिशनरी सेवा के लिए बुलाहट का आश्वासन मिला और चाइना इंग्लैंड मिशन के लिए आवेदन किया। हालांकि एमी अपने खराब स्वास्थ्य के कारण चीन नहीं जा सके। सन 1893 में एमी मिशनरी के काम पर जापान गई, लेकिन फिर से खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें 15 महीने बाद लौटना पड़ा। आसानी से हार नहीं मानते हुए वह सन 1894 में जीनाना मिशनरी सोसाइटी में शामिल हो गए। सन 1895 में वे भारत पहुंची और शुरू में टिनवे वेली में थॉमस वॉकर के साथ काम किया। वहां एमी ने तमिल सीखी और भारतीय जीवन शैली को अपनाया। उन्होंने अपने विशेष रूप से महिलाओं के बीच सेवा की और कई लोगों को मसीह तक पहुंचाया। सुसमाचार को दूर दूर तक पहुंचाने उन्होंने महिलाओं का एक समूह भी बनाया। सन 1900 में एमी दोनपुर पहुंची, जहां उन्हें देवदासी प्रथा से पीड़ित युवा लड़कियों को देखने को मिला। इन लड़कियों को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला जाता था। एमी ने मंदिर वेश्यावृत्ति से ऐसी लड़कियों को छुड़ाना शुरू कर दिया और उनमें से कई को गोद ले लिया। उन्होंने उनके लिए अनाथालय खोले और उनके प्रति बिना शर्त का प्रेम दिखाया। मसीह में बढ़ने में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एमी ने दोनपुर फेलोशिप की स्थापना भी की। उन्होंने 40 पुस्तकें भी लिखी और प्रकाशित भी की। एमी, जिन्हें एमई तमिल में माँ कहा जाता था, सन 1951 में अपने सांसारिक कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करने के बाद प्रभु के साथ रहने चली गई। प्रिय, क्या आपको पाप में खोए हुए जवानों के बारे में चिंता है? तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जवानों को आध्यात्मिक मार्ग में मार्गदर्शन करने में मेरी मदद करें। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।